कल एक महिला दिल्ली मेट्रो में चढ़ने ही वाली थी कि मेट्रो वालों ने रोक कर उनसे पैसे मांगे, लेकिन पैसे देने से उन्होंने उन्होंने लगभग मना कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। तो जो दिल्ली के मालिक हैं, कौन है वैसे? दिल्ली के मालिक हम हैं। एक सेकेंड, आप ही हैं, इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है। जी हाँ, दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक नई क्रांति शुरू कर दी है। उन्होंने दिल्ली मेट्रो और बस में महिलाओं का किराया फ्री करने का प्रस्ताव रखा है। इस बात को सुनकर दिल्ली भर के अपराधियों ने गहरी सांस लेते हुए शुक्र मनाया है कि चलो यहाँ अकेले हम ही नशे में नहीं बैठे हैं। भाई, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स पर भी नजर डाली जाती है। एक बार जरा इस फ्री वाले फंडे की टेक्निकल बातें कर लेते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने ये बोला कि दिल्ली मेट्रो और बसों में फ्री किराए का खर्चा दिल्ली सरकार खुद उठाएगी। ये बात तब उन्होंने बोली है जब खुद उनकी पार्टी का चाय और समोसे का बजट बिगड़ा हुआ है। हमारे पास पैसा नहीं है, पार्टी के पास भी पैसा नहीं है, हम लोगों के पास भी पैसा नहीं है। एक अखबार की माने तो दिल्ली मेट्रो में रोज 30 लाख लोग सफर करते हैं, जिनमें से 25% महिलाएं होती हैं। कुछ ऐसा ही हाल बसों का भी है, जिसमें 40 लाख लोग सफर करते हैं, जिसमें 20% महिलाएं हैं। पूरा गणित बिठाने के बाद जो हिसाब निकलता है वो साफ साफ बताता है कि दिल्ली में ये फ्री की रेवड़ी बहुत महंगी पड़ने वाली है। एक दिक्कत ये भी है कि दिल्ली मेट्रो का आधा खर्चा केंद्र सरकार उठाती है। जाहिर सी बात है, उस पर दूसरे स्टेट्स के खर्चों का भी बर्डन है। ऐसी हालत में अगर अरविंद केजरीवाल का ये प्रपोजल केंद्र सरकार रिजेक्ट कर देती है तो एक बार फिर से जंतर मंतर पर आंदोलन वाला तंबू गाड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। और आपका इस प्रपोजल अटकने के पीछे कौन जिम्मेदार होगा सर? क्या नाम है उनका? मोदी। लेकिन अगर केजरीवाल जी का ये फैसला जमीन पर उतर आता है तो पहला नुकसान सीधा सीधा दिल्ली मेट्रो को होगा, और जितना नुकसान दिल्ली मेट्रो को होगा उसकी भरपाई करने के लिए अरविंद केजरीवाल को कम से कम 10 साल तो चंदा मांगना ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा नुकसान उन मर्दों को होगा जिन्हें दिन में एक सिगरेट पीने के लिए 5-5 रुपए की भी उधारी लेनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन उनको बर्दाश्त नहीं होगा। एक आदमी तो कैमरे के सामने ही रो पड़ा। ये गलत है, इस देश के नेताओं को समझना होगा कैसे राजनीति से कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा बड़ा नुकसान हम जैसे टैक्स पेयर्स का है। भैया, सरकार का खजाना हमारे टैक्स के पैसे से तो भरता है, लेकिन इस फैसले के बाद, ये फ्री वाले फैसले के बाद, दिल्ली वालों को 2015 में खरीदी हुई झाड़ू इतनी महंगी पड़ेगी इसका अंदाजा नहीं। और जैसे जैसे विशेषज्ञों की राय सामने आ रही है, ये भी पता चलता जा रहा है कि रायते के बाद ये दूसरी ऐसी चीज है जिसको समेटने में केजरीवाल जी के पसीने निकल आएंगे। आप सही बोल रहे हैं। अब फायदे और नुकसान के बाद एक नजर फ्री वाले फिनोमेना पर भी डाल लेते हैं कि फ्री का फंडा क्या है। हमारा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मेट्रो का किराया फ्री किया जा सकता है? सबको पता है दिल्ली में पानी की समस्या कितनी बड़ी है। क्या वाटर टैंकर्स की लाइन में खड़े लोगों के लिए पानी फ्री नहीं किया जा सकता, या फिर वो पानी का टैंकर? वैसे भी दिल्ली की महिलाओं के लिए मेट्रो के सफर से ज्यादा पानी सफर का कारण बना हुआ है, इंग्लिश वाला सफर। और अगर फ्री की बात चली निकली है तो इसी बहाने महिलाओं की शॉपिंग बिल पर भी नजर डाल लेते हैं। एक तरीके से इसको भी फ्री किया जाना चाहिए, इससे महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा उनके पतियों की जेबों की सुरक्षा भी होगी। वैसे इस फैसले से केजरीवाल के विधायक भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ऐसा करने के बाद भाजपा तो क्या, इसराइल से मोसाद भी आ जाए तब भी हमारे दिल्ली के मालिक का सिंहासन नहीं हिला सकते। लेकिन इस फ्री वाले फंडे को सुनने के बाद कुछ महिलाओं का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। गुची, अरमानी और पूमा जैसे ब्रांड का पर्स उठाए महिलाओं को ये सेल्फ रिस्पेक्ट पर एक क्वेश्चन मार्क जैसा लगता है। उनका कहना है कि एक लिपस्टिक पर वो 400 से 800 रुपए खर्च कर देती हैं, तो क्या लड़कियों के पास इतना पैसा नहीं है कि 10-20 रुपए का मेट्रो का टिकट खरीद पाए? वैसे ये फ्री वाला फैसला कॉमन सेंस की पिच पर बाउंसर की तरह लगता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे महिलाओं की सुरक्षा होगी। मतलब ये तो वही बात हो गई कि खजाने को अगर चोरी से बचाना है तो म्यूजियम में सबकी एंट्री फ्री करवा दो, मैच में ज्यादा रन बनाने के लिए टीम को टेबल टेनिस की प्रैक्टिस भी करवाने लगो। और वैसे भी दुनिया का ऐसा कौन सा क्रिमिनल होगा जो औरतों के खिलाफ ये सोचकर क्राइम करता है कि चलो आज इनकी जेब काटता हूं क्योंकि इन्होंने अपना किराया खुद दिया है, या इस महिला को छेड़ता हूं क्योंकि ये बस में टिकट लेकर चढ़ी है। बिना टिकट वाली और फ्री की सवारी वाली महिलाओं को तो जेब कतरे और मनचले मन ही मन अपनी बहन मान लेंगे। हमारे सूत्रों ने जब इस सुरक्षा वाले मुद्दे पर केजरीवाल जी से पूछा तो उनके बाकी के आइडिया सुनकर तो हम पागल हो गए। ये सुनिए, सारी औरतों को कमरे में बंद कर दो, बाहर ताला लगा दो, कह दो महिलाएं हो गई सुरक्षित। वैसे जेब काटने की बात आई गई है तो एक डेटा बताता हूं मैं आपको। दिल्ली मेट्रो में 94% जेब कतरे नहीं बल्कि जेब कतरी होती है, यानी महिलाओं के डब्बे में सबसे ज्यादा चोरी होती है। दुनिया के हर रिकॉर्ड को अपने लिए चैलेंज मानने वाले केजरीवाल ने इसको भी
तोड़ते हुए एक ही सेकंड में लाखों लोगों की जेब काट दी है, ये फ्री वाला बताकर। अब स्थिति ये हो गई है कि दिल्ली के लड़कों ने अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो वाली दुआ मांगना शुरू कर दी। वहीं अगर सर जी के ट्विटर अकाउंट पर एक नजर डालें तो उन्होंने बायो में लिखा हुआ है कि सब इंसान बराबर है। सही में सब इंसान बराबर है, लेकिन सबका किराया थोड़ी। चलिए माना कि इस देश में महिलाएं खर्च को लेकर थोड़ा तंग हाथ रहती हैं, लेकिन वो भी फ्री का माल तभी एक्सेप्ट करती हैं जब ऑफर बाय वन गेट वन वाला हो। चलिए अब चलते चलते मैं एक बात जो मेरे मन में आई है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ वो बात करूँ या मतलब कर दूँ क्या सर? करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अरे सर शांत हो जाइए, मैं सिर्फ कविता पढ़ने की बात कर रहा था, आप खामखा गुस्सा हो रहे हैं। तो कुछ पंक्तियां चलते चलते मैं आपके लिए कहना चाह रहा हूं, ये पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे आपके दिल तक पहुंचे तो आई लव केजरीवाल, केजरीवाल नहीं केफरीवाल लिखिएगा जरूर कॉमेंट सेक्शन में। तो अर्ज किया है कि मैं प्यार भरी, यस मैं प्यार भरी एक पप्पी हूं और तुम हो मेरा गाल प्रिय, मैं दिल्ली की भोली जनता और तुम हो केजरीवाल प्रिय। अरे मैं चाहता हूँ सम्मान प्रिय, तुम पॉलिटिक्स कर देती हो, मैं कमा के खाना चाहता हूँ, तुम फ्री की गोली देती हो। और आखिरी दो लाइनें कि मैं जब भी दिल्ली में जन्मूं, ये ऊपर वाले से दुआ है, हर लड़का हर मर्द आज दिल्ली में ऊपर वाले से यही दुआ कर रहा है कि मैं जब भी दिल्ली में जन्मूं तुम मुझे यही मालिक दीजो। अरे मैं जब भी दिल्ली में जन्मूं तुम मुझे यही मालिक दीजो, है दुआ सुनो ए खुदा अगले जन्म मुझे बिटिया कीजो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, अगला वीडियो जल्दी आएगा। जय हिंद।